थे तो बहुत सारे नॉन पीजी मोमेंट्स हैं, लेकिन मैंने 5 मोमेंट्स को सिलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस आप इसे एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जुलाई 2019 मंडे नाइट रो, यहाँ पे ड्रैक मैवरिक एंड उनकी वाइफ होती हैं होटल में, और ड्रैक मैवरिक अपने लिए एक रूम बुक करते हैं, रिसेप्शन वाले को थोड़े पैसे देते हैं और एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं एक अच्छे रूम के लिए और शैंपेन के लिए, एंड फाइनली उनका रूम बुक हो जाता है और वो अपने की लेकर चले जाते हैं। ट्विस्ट यहाँ पे आता है, आर्थरूद आते हैं पीछे से और वो रिसेप्शन वाले से या फिर मैनेजर से कहते हैं, भाई तू रूम का मतलब भाई रूम के बारे में मुझे भी बता, मुझे थोड़ा काम उस बंदे से। और वो तो मानता नहीं है, लेकिन आर्थरूद यहाँ पे घुस दे देते हैं, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद रिसेप्शन वाला बता देता है और एंड इसके बाद कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है, ड्रैग मैवरिक बिल्कुल रेडी होते हैं अपने काम के लिए, कह सकते हो यहाँ पे बिल्कुल रेडी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आके इंटरप्ट करता है जो कि चैंपियन वाला था आई गेस। एंड यहाँ पे जैसे ही मतलब चैंपियन वो दे लेता है, वो जाता नहीं यहाँ से। ड्रैग मैवरिक कहते हैं, भाई तू क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, मेरे को काम करना है अपना। लेकिन भाई वो चैंपियन वाला नहीं, वो रेफरी होता है। एंड इसके बाद ड्रैग मैवरिक एकदम मतलब बौखला से जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई है और उनका चैंपियनशिप लुटने वाला है। एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो सीन काफ़ी क्रेजी हो जाता है। एंड इसके बाद फाइनली आर्थरूद आते हैं और ड्रैग मैवरिक को वहीं पे भाई कवर कर लेते हैं, और इनके बाद 1-2-3 और आर्थरूद चैंपियनशिप जीत जाते हैं और उनका पूरा भाई बिगाड़ देते हैं, उनका जो भी था हनीमून वगैरह जो भी था पूरा खत्म हो जाता है भाई इसके बाद। जनवरी 2019 यहाँ पे मैंडी रोज ने एक जाल बिछाया था जिमी उसो के लिए, क्योंकि उनकी राइवलरी नायोमी से चल रही थी। एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो सिचुएशन समझ ही पा रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंडी रोज यहाँ पे कहते हैं जिमी उसो से, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जिमी उसो कहते हैं, देखो ये गलत आइडिया, ये सब बेकार की बातें, मतलब ये सब बंद करो, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन इतने में एक बंदा आता है जो कि फोटोज खींचता है मैंडी रोज एंड जिमी उसो के, उसके बाद वो बंदा दौड़ कर वहां से भागता है और जिमी उसो को आइडिया लग जाता है कि क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरा और अपना फोटो लेना चाहते हो, जिसके बाद तुम मुझे एक्सपोज कर पाओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया, मतलब ये सारी चीजें। उसके बाद मैंडी रोज एग्री करती है, कहती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तुम्हारे साथ थोड़ी वो काम करने वाली थी ऐसा कुछ। एंड मतलब वो भी जिमी उसो की थोड़ी इंसल्ट करने लग जाती हैं। एंड इसके बाद जिमी उसो वापस जाते हैं और उधर से आती हैं नायोमी, जिसके बाद तुम समझ ही सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे नायोमी और मैंडी रोज आपस में झपट पड़ती हैं, मतलब लड़ने लग जाती हैं। एंड इसके बाद फाइनली किसी तरीके से मैंडी रोज पीछा छुड़ाती है नायोमी से और भाग जाती हैं वहाँ से। फरवरी 2015 मंडे नाइट रो, बैकस्टेज का सीन होता है यहाँ पे, बेला ट्विंस पेज का रिंग गियर लेकर भाग जाती हैं और उसके बाद पेज को टावल में निकलना पड़ता है बाहर, और वो रिंग गियर के लिए काफ़ी मतलब परेशान होती हैं और वो अपना रिंग गियर तो उनके पास होता नहीं है, इसलिए वो दूसरे से मांगती हैं, लेकिन वो बंदी भी देती नहीं उनको। और पेज का भाई दिमाग सटक जाता है, मतलब उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन उनके सामने एक बकचोद गैंग आ जाती है जिनमें एक प्रिंसेस लेडी भी होती है, और वो उसे पकड़ के ले जाती हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, और उसके बाद उनका मैच फाइनली हमें देखने को मिलता है समर रे के साथ, जहाँ पे पेज आ जाती हैं वही ड्रेस पहनकर। एंड यहाँ पे पेज मैच को जीत भी जाती हैं। जनवरी 2019 अलेक्सा ब्लिस का मोमेंट ऑफ द ब्लेस जो शो होता था वो नेक्स्ट था, इसलिए वहाँ पे एक बंदा जाता है अलेक्सा ब्लिस को बताने कि आप नेक्स्ट हो, और वो रूम में घुस जाता है जब अलेक्सा ब्लिस अपना ड्रेस चेंज कर रही थी या फिर कह लो पहन रही थी तभी। एंड यहाँ पे भाई उस बंदे के लिए तो ऑकवर्ड हो जाता है, या फिर कह लो अलेक्सा ब्लिस के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। अलेक्सा ब्लिस कहते हैं, क्या कर रहा है भाई, निकल यहाँ से, भाग जा, और वो कहता है कि आप नेक्स्ट हो, और ऐसा कहते हुए निकल के भागता। दिसंबर 2016 बिग कैश होते हैं रिंग में और उनका मैच होता है रूसेव के साथ, लेकिन रूसेव का सिर्फ थीम सॉन्ग प्ले होता है और रूसेव वहां पे आते नहीं है। बिग कैश को समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, वो यहां पे एक सेल फोन लेते हैं किसी नॉन बंदे का, मतलब किसी अननोन बंदे का, और कॉल करते हैं एंजो अमोरे का जो कि उनके टैग टीम पार्टनर थे।
एंड वहाँ पे वो कॉल देखते हैं भाई किसी ऐसे अननोन बंदे का है, तो वो कॉल लेते नहीं है और वो पहुंच जाते हैं होटल रूम लाना के पास और लाना उनको कमरे में बुला लेती है। और कमरे में बुलाने के बाद लाना का तो पूरा मन था, मतलब लाना का नहीं, मतलब एंजो अमोरे का पूरा मन था लाना के साथ, समझ रहे हो ना, मतलब वही सारा। लेकिन यहाँ पे लाना तो चूतिया बना रही थी उनको, यहाँ पे उनके कपड़े उतरवा लेती हैं और उसके बाद कहती है भाई तुम्हारे साथ तो पोपट हो गया, तू तो गंदा पिटने वाला है बंदा। मतलब ऐसा कहने के बाद भाई एंजो मेरे का तुम चेहरा देख सकते हो। लाना यहाँ पे बुला देती हैं रूसेफ को और उसके बाद तो भाई रूसेफ कुत्ते की तरह पीटते हैं भाई, बहुत खतरनाक, भगा भगा के इधर उधर फेंक फेंक के मारते हैं एंजो मोरे को। लेकिन लास्ट में यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एक वो शीशे का ग्लास लेते हैं जिनमें फूल होते हैं, उसको भाई सर पे दे मारते हैं, जो कि काफी इम्पैक्टफुल रहा। तुम देख पा रहे हो एंजो की तो भाई लग गई थी एकदम। तो यही थे WWE के टॉप 5 नॉन पीजी मोमेंट। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था आप मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना और YouTube पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसको मतलब अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो पे 1K लाइक्स हो जाने चाहिए, अगर 1K लाइक्स हो जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। बाकी YouTube पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।